धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मतलब हेलो हेलो जोरदार तालियां ललित भाई के लिए। आ रहा है मजा? देखो मैं तो मेरी किस्मत ही बड़ी खराब है, मैं सोच रहा हूँ काश आप लोग के साथ होता थोड़ा छलता उठता, थोड़ा ठंड कम होती है, पीछे से टोपी पहन के आनी पड़ रही है, ठिठुर गया हूँ। आप लोग का मौका है भाई साहब नाचो, कितने बढ़िया मजा आ रहा है, आ रहा है ना, है ना? वी वायरस ओके। एक बार ललित भाई के लिए जोरदार तालियां प्लीज गाइस, फिर एक और बार बुलाएंगे आपके बीच ललित भाई को। तब तक के लिए हम लेके चलते हैं वी वायरस की तरफ, चले पक्का ओके। एक बार मैं अपने मेरा ना एक बार क्या हुआ था, एक बार हाँ सुने सुनाता हूँ किस्सा, एक किस्सा सुनाता हूँ। अब पहाड़ में रहने वाले ठहरे हम लोग भाई साहब, पहाड़ी घर ठहरे, पहले हमारा दूध ही बहुत होने वाला ठहरा, तो उससे क्या हो जाने वाला ठहरा फुंगे, समझ रहे हो ना फुंगे क्या होते हैं, कॉकरोच है ना। अब बचपन में मैं सोने वाला ठहरा नीचे पाल वाले घर पे, इस वाले कान में घुस गया मेरे कॉकरोच। अच्छा। अब मुझे इस कान से थोड़ा कम सुनाई देता है तो मैं यहाँ वालों को सुन ही नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार चाहता हूँ कि मैं आप लोग की आवाज सुनूं थोड़ा सा प्लीज। 3 2 1 कम ऑन, दम तो है, अब ऐसे पलट के सुनते हैं जरा वालों को, चलो भाई 3 2 1 आप लोग तैयार है? ओहो भाई साहब ऐसी ऑडियंस मैंने देखी नहीं आज तक लाइफ में, मतलब मैं आपको रियल बताऊं, दिख नहीं रहा था क्या मैं इतना काला भी नहीं हूं, मतलब बेइज्जती कर देते हैं भाई साहब, मतलब काले कपड़े डाल दिए, हुड डाल दिया, दिख नहीं रहा है वाले को, लाइट ही जला दी। एक बात और बता दूं, मेरा निकनेम पता है आप लोगों को क्या है, निकनेम जिसको बोलते हैं बताओ क्या है, कालू। जोरदार तालियां कालू के लिए। एक बार और प्लीज आ रहे हैं तो होना चाहिए, जोरदार तालियां बनती है, बजा दो यार बजा दो भाई प्लीज, सभी लोग बजा दो एक बार जोरदार तालियां कालू के लिए। लाइट जला दो, दिख नहीं रहा होगा, लाइट जला दो, लाइट जला दो भाई, दिख नहीं रहूंगा। हाँ जो अब बताओ तालिया। तो और मेरा दूसरा निकनेम है वायरस, लोग मुझे वी वायरस बोलते हैं, विजय वायरस। अब कई लोग को ना ऐसा लगता है ये ना वायरस नाम क्यों रख दिया, ऐसा लग रहा होगा ना आप लोग को, लग रहा है ऐसा वायरस क्यों रख दिया नाम,
इसके पीछे में एक किस्सा है, सुनाओ या अभी बाद में सुनाओ, पहले डांस कराओ फिर सुनाओ, बाद में सुनाते हैं, क्यों याद रखना ठीक है। तो तब तक के लिए वी वायरस आर्ट स्टूडियो यहां पर आ चुका है बॉलीवुड परफॉर्मेंस लेके, म्यूजिक रेडी है, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ, यस वी वायरस प्लीज। अब हम थोड़ा सा ना बॉलीवुड की तरफ चलते हैं, थोड़ा बॉलीवुड तड़कता भड़कता कुछ, ठीक है। तो फिर उसके बाद सुनाऊंगा कि वायरस का नाम वायरस क्यों रखा, ठीक है। तो साउंड पे म्यूजिक पॉज किया, ओके रेडी डांसर्स, 3, 2, 1 म्यूजिक। Oh God!
शहीद कार्यक्रम नहीं है। एक्चुअली में होता है क्या, देखिए मैं आज से 2014 की बात है, मैं प्रोफेशनली डांसर हूँ और मैं DID सीजन 4 पे टीवी राउंड पे आया हूँ और राघव जी तो जितने लोग भी देख रहे हो यार जरूर बताएं कहाँ से देख रहे हो। मैं कमेंट आई फॉरवर्ड मैंने किया हुआ है, रणवीर सिंह, तारा सुतारिया, अनुराग फतेही, मतलब बॉलीवुड के सलमान खान, इन सबके साथ परफॉर्म किया हुआ है। लकीली ललित कांडवाले नमस्कार, पहले मुंबई था, राधे राधे, तो फिर मुझे कोविड ने मुझे वापस छोड़ दिया और एक दौर था जब मैं सिलेक्शन हुआ मैं बाहर हो गया था। फिर ना एक टाइम आया था मेरी लाइफ में कि यार एक टाइम सोचता है ना इंसान डांसर बनना है, घर वालों ने भेजा ही नहीं, बोला नहीं जाएगा तू, डांस वांस में क्या रखा है। सिलेक्शन हो गया था मेरा टीवी राउंड के बाद मुझे मुंबई जाना था, मेरे घर वालों ने मुझे भेजा ही नहीं क्योंकि छोटा है, क्योंकि हम पहाड़ियों को ना उस टाइम पे पता नहीं था। 2014 की बात है तो बताया कि तू नहीं जाएगा मुंबई, मत जा। तो एक सिचुएशन है कि यार अब क्या करो, डांस तो छूट नहीं सकता, जो टैलेंट होता है वो आपको कभी छूट नहीं सकता, जो आप टैलेंटेड हो तो छोड़ नहीं सकते। तो मन करता था यार कि एक बार ना मर जाऊं, सीरियसली ऐसी मोमेंट आ गई थी लाइफ में कि मैं यार मतलब जिंदगी खत्म है, डांस के बिना कुछ नहीं। तो फिर मैंने एक स्टूडियो प्लान किया, डांस स्टूडियो खोलता हूँ, फिर मैंने उसका नाम रखा वी वायरस। वायरस ऐसी चीज होती है सर जो ना कभी जिंदा होती है ना कभी मरी होती है। तो मेरे लिए क्या था कि मैं मर जाऊं या फिर जिंदा रहूं, तो मैंने बीच की चीज चुनी, क्या वायरस। अर्जुन जी अच्छा थोड़ा गड़बड़ी, क्या बात खत्म होने वाली है और ना पूरी तरीके से जिंदा है, दिस इज द वायरस। तो मैं प्लीज कि मेरे साथ रहो प्लीज, मैं बोलूंगा वी आर वायरस अपने अंदर के उस मरे हुए इंसान के लिए, प्लीज बोलिए क्या आप लोग। तो मैं 3-2-1 बोलूंगा वी आर वायरस, ठीक है, तो वायरस प्लीज 3-2-1 वी वायरस। जोरदार तालियां वी वायरस ग्रुप के लिए। तो अब अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है हमारे बीच एक कुमाऊनी डांस परफॉर्मेंस, फोक स्टूडियो फोक डांस, जो हमारा जो अगला ग्रुप है वो है
सॉरी मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया था ना मेरे दिल की आवाज मेरे दिमाग में चली आ रही है आवाज मेरे दिल से निकल जाती है। सक्षम आएगा देखो आप जो डांस सक्षम वाले ना तो बैठे हो कैसा एंकर है साला भूल जा रहा है तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हमारे बीच सक्षम जय गुलजू जन्मभूमि के लिए। क्या बात है यार ये बागेश्वर का ग्रुप है और देखते हैं क्या करते हैं आज। म्यूजिक रेडी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं चाहूंगा अगर लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज प्लीज लाइट्स ऑफ। यस थैंक यू। रेडी डांसर्स रेडी म्यूजिक 3 2 दीपक जी वन म्यूजिक अंशु के द्वार जी बेटी क्या बात है चला जाएगी मेरे सिंह।
प्लीज आर्टिस्ट देखिए हमेशा ना तालियों का भूखा होता है, सिर्फ तालियों का भूखा, ठीक है, उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे ना तो हम दिन रात परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग के लिए बिना थके, हालांकि मैं थक गया हूँ अलग बात है। तो अगली परफॉर्मेंस हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची रिम चिम पन, एक छोटी सी बच्ची है जो इसी समिति से है, वो परफॉर्म करेगी। जोरदार तालियां रिम चिम पन के लिए, रिम चिम पन प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसके बाद वापस सुरीला जी परफॉर्म करने आएंगे, फिर हम वापस गीतार जी के पास चलेंगे। जोरदार तालियां रिम चिम पन के लिए प्लीज। रिम चिम म्यूजिक रेडी। हेलो, हमारे बीच कैलाश हरड़िया जी माइन एसोसिएशन के सदस्य हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच दीपक खड़ायत जी जिला अध्यक्ष है हिंदू जागरण मंच के, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रिमझिम पंत यहाँ पर रेडी हैं, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा छोटी बच्चे रिमझिम पंत के लिए प्लीज। म्यूजिक रेडी, 3 2 1 साउंड। साउंड प्लीज। Oh,
जोरदार तालियां रिमझिमत के लिए प्लीज, जोरदार तालियां एक बार गाइस। देखिए इतनी छोटी बच्ची इतने एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रही है, तो एक बार प्लीज बागेश्वर, एक बार प्लीज दोनों हाथ ऊपर करके प्लीज। हाँ, और बाकी लोग भाई साहब प्लीज आप लोग भी कर लीजिए एक बार प्लीज बच्ची के अप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अगली परफॉर्मेंस सुरेश सुरीला जी की तरफ। चले चले तो चलो बैठे जाओ, चलो चले क्या तो चलो 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 अब उठो क्या भाई, तभी तो चलेंगे। चले बुलाए सुरेश सर को फिर। हाँ ये सही बोला, तो बुलाते हैं सुरेश सुरीला जी को, जोरदार तालियां। इससे पहले बालिका ने सुंदर सा नृत्य किया था, उसके नृत्य को देखते हुए कुछ महानुभाव ने यहाँ पर पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर उनको घोषित किया गया है। कमल कांडपाल जी के द्वारा 100 रुपए की धनराशि इस बालिका को सुंदर सा नृत्य के देखते हुए उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष दीपक कठारी जी के द्वारा 500 रुपए की धनराशि यहाँ पर प्रदान की गई है। और यहाँ पर विष्ट जी ना भी जानी